वेलकम टू इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर। लो जी, सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो हम मूलियाँ बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई ने। तो अज असी बड़ी नवी जी रेसिपी पावांगे। अज असी पावांगे मूली का अचार। अचार तुसी बड़े खाधे होने ने, तो मेरे ख्याल मूली का अचार नहीं खाधा होना। अज असी यह बना के दिखावांगे और इन्ना अच्छा और हाजमेदार अचार ये बनता ना, जिन्ना स्वाद ये अचार बनता है ना जी, उस तो भी ज़्यादा इनू बनाना बड़ा आसान है। बहुत ही एक सिंपल जहा तरीका है। लो जी, सब तो पहले असी ये मूली एक ले लिए जी। ये कितना वेट है जी? 500 ग्राम। ये 500 ग्राम का वेट है यदा। लो जी, 500 ग्राम की ये मूली है। तो इनू असी अगों तो पिछों थोड़ा जहा कट देना। उस तो बाद पीलर दे नाल या कोई भी चाकू छुरी नाल असी इहदा पतला जिहा छिलका उतार देना। पतला छिलका असी इहदा उतार देना। देखो, बहुत आसान तरीका है जी मूली का अचार बनाने का। लो जी, उस तो बाद हुण असी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पतला छिलका असी उतारता तो असी इहदी पीस असी कटांगे, ना ज़्यादा मोटे ते ना ज़्यादा पतले। इस तरह असी कट लेना जी इन्हां नूं। इस तरह सारी मूली दी कटिंग कर लेनी है जी। लो जी, मूली दे असी पीस कर लिया जी। तो एक बाउल च असी इहनू हुण ऐड करदे आ। लो जी, नैक्सट प्रोसीजर जिहड़ा इहदा, कटिंग करन तो बाद असी एक चम्मच नमक ऐड करांगे। जिन्ना पानी इहदा निकल जाए। लो जी, अच्छी तरह इहनू असी मिक्स कर देना। तो घट तो घट 2 घंटे इहनू असी नमक लगा के रखना। वध भी रख सकते हो, वध रखने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जिन्ना इहदा पानी निकलेगा नमक लगाने तो बाद वो असी कढ़ देना। तो उस तो बाद असी मूली का अचार बनाना शुरू करना। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देना जी। लो जी, बहुत अच्छी तरह असी नमक मिक्स करता। तो हुण असी घट तो घट 2 घंटे वास्ते रखांगे। तो ज़्यादा भी रखे जाएगा तो भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। तो उस तो बाद असी अचार बनाना शुरू करांगे। लो जी, मूलियां नूं असी नमक लगा के रखिया सी, तो 4 घंटे होने लगे ने। तो हुण मूलियां नूं असी कढ़ के सुके कपड़े ते रख देना जी। पानी इहदा अलग कर देना, तो मूलियां असी अलग कर लेनियां ने। तो इहनां नूं असी पखे थले थोड़ा सुकावांगे। किन्नी देर रखना जी सुकाउण वास्ते? 2 घंटे रखांगे। 2 घंटे असी पखा चला देंगे तो ये सुक जाएगियां मूलियां। देखो जी, ये असं छलना छली छाल लेना जी। पानी थले चल जाएगा तो मूलियाँ उपर आ जाएगियाँ। ये पानी निकल गया। ये पानी कढ़ने का मकसद ये होंगे बी, ये जो पानी निकल जाएगा फिर मूली का अचार जड़ा है खराब नहीं होएगा। लो जी, इन्ना पानी निकल गया। तो इस तो बाद असं मूलियाँ पखे थले सुखा लेनिया ने, तो फिर असं अचार बनावांगे। पानी कढ़ना ये जो जरूरी होंगे, नहीं तो जे ये पानी निकल गया तो बस मूली का जरा अचार पावांगे ये काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। बस इस तरह खरार के असी पखा चला के तेनू रख देना जी। लो जी, मूलियां नू असी कढ़ के सुकाउण वास्ते रखिया सी, तो 2 घंटे से पखे थले रखिया, तो मूलियां साड़ियां पूरी सुक गई ने जी। तो हुण असी एक बाउल च सारे मसाले रलाने जी, जड़े जड़े भी अचार वास्ते जरूरत है। लो जी, मसाले रलाने तो पहले थोड़ी जी हरिया मिर्चां असी इस मिक्स करांगे। इन्हां नूं 2-2 पीस कर देने जी।
दो दो पीस करके तो असी मूलियां चना मिक्स कर देना हरिया मिर्चा नू। असी 5-6 मिर्चा पाइया ने जी, वैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुसी बहुत घट पा सकते हो। लो जी हरिया मिर्चा भी असी कटतियां, तो हुण रलाने मसाले। लो जी एक एक करके असी तुहानू दस दें भी कि मसाले पाने हैं, तो सारे मसालिया के जिने भी ने असी डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, काफ़ी मसाले ने। लो जी दसो जी, पहले नंबर पर 2 चम्मच राई। 2 चम्मच राई है जी। 1 चम्मच पीसी हुई सौंफ। ये सौंफ असी पीस ली है 1 चम्मच। 1 चम्मच छोटे मेथे पीस लेने। लो जी मेथे हैं जी 1 चम्मच असी पीस लिए। देखो जी 4 टेबल स्पून असी सिरका ले लिया। लो जी बाकी मसाले असी प्लेट च रखे हैं, एक एक करके दस दें। हाँ जी 1 चम्मच सुखा धनिया। 1 चम्मच सुखा धनिया ये पीसिया होया। पीसिया होया हाँ जी। लो जी 1/4 जड़ा हैगा ये असी चम्मच का कलौंजी ले ली जी। 1 चम्मच जवैन। 1 टेबल स्पून जवैन। 1 चम्मच जीरा भुनिया हुआ। 1 चम्मच जरा रोस्टेड रोस्ट करके जीरे उन्होंने असी पाउडर बना लिया। 1/2 चम्मच काली मिर्च। 1/2 चम्मच असी काली मिर्च ले लिया जी। 1/2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक असी पहले भी पाया सी ते हुण फिर पा लिया। नमक असी पहले भी पाया ते ए बाकी अपनी एज पर योर टेस्ट तुसी पा सकदे हो नमक। 1/2 चम्मच काला नमक। लो जी 1/2 चम्मच काला नमक। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हिंग। 1/4 टेबल स्पून जड़ा हैगा ये हिंग। 1 चम्मच बड़ा हल्दी का। 1 टेबल स्पून हल्दी। 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। लो जी 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। लो जी ये सरसों का ऑयल है, ये गर्म करके असी इन ठंडा किया हुआ, क्योंकि गर्म करके और फिर ठंडा करके अचार च अगर उसी तेल पाओगे तो अचार खराब नहीं होंदा। ये 6 टेबल स्पून के करीब करीब सरसों का तेल है। लो जी असी मूली च सारी चीज़ें मिक्स कर दें जी। राई पिसी हुई राई, सौंफ पिसी हुई सौंफ, मेथे पिसी हुई मेथे, तो बाकी जेडे प्लेट जेडे मसाले पे जी असं तुम दसिया डिस्क्रिप्शन च असी लिख देंगे, तो ये असी इस मिक्स कर दें। लो जी असी अच्छी तरह इन्हों मिक्स कर देना, बहुत ही आसान तरीका है, तो खान च भी बहुत स्वाद है अचार। इन बनाने का जरा तरीका बहुत सिंपल है, और इनू असी जे अचार नू पाउण तो बाद हफ्ते बाद इनू हिला दिए और इहदे च गिला चम्मच या गिला हाथ ना लगाइए तो यह काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होंदा। सिरका। लो जी ये सिरका ऐड करता जी। बस जदों ये अचार बन जाना तो किसी भी शीशे के जार च बिल्कुल सुक्का होना चाहिए, वो असी कढ लेना। लो जी सरसों का तेल ये भी ऐड कर दें जी। ये भी अच्छी तरह असी इनू मिक्स कर देना। हूँ कलर है। लो जी अचार साड़ा बिल्कुल तैयार हो गया, तो असी एक बाउल च इनू कढ लेना जी। किसी तरह के भी कंच के बाउल च तुसी इनू कढ सकते हो, पर सुक्का होना चाहिए ना, ये असी गिला चम्मच मारना ना गिले हाथ नाल इनू कढना, तो हफ्ते के बाद इनू हिला देना, तो ये अचार काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। लो जी मूली का अचार साड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं साड़ी रेसिपी तुहानू अच्छी लगेगी, एक बार इस तरह बना के देखो
और कमेंट बॉक्स कमेंट करके दसो कि तुहानू साडी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।